हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स? आर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट कहलाएगी इफ़ वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट इट विदाउट एनी चेंज, यानी कि बिना किसी चेंज के हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें तो उस कंडीशन में हम उस इक्वेशन को कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिसका एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये एक एग्जैक्ट है क्योंकि इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डॉट डी वाई इसका हम अगर डायरेक्ट सॉरी फ्रेंड्स हाँ इसका हम कर सकते हैं क्योंकि अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई कर लें। अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं वाई के करस्पॉन्डिंग, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो ये फ्रेंड्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक थ्योरम आती है हमारे पास, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर आर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन जो है वो है हमारे पास एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो एग्जैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टर्म की ये तरह इस तरह की फॉर्म है हमारे पास। तो एम का हम वाई के करस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और एन का एक्स के करस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और दोनों इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे जो ये जो फॉर इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स इसको हम प्रूव पढ़ते हैं। इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन बाई डेफिनेशन, अगर ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेफिनेशन से हमारे पास एफ एक्स वाई बराबर सी, यानी कि कोई फंक्शन जो होगा वो हमारे पास इस तरह से निकल जाएगा डायरेक्टली इंटीग्रेट करने पर इस इक्वेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेट करने पर हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। वो सोल्यूशन किस तरह से आएगा, एफ एक्स वाई इक्वल टू सी। नाउ ऑन डिफरेंशियबल, डिफ्रेंशिएट किया हमने तो डिफ्रेंशिएट करने पर डी एफ बराबर जीरो आ जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू एक्स करो या वाई करो, तो हमने करस्पॉन्ड डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमने इसका हम कंपेयर किया इससे, तो ये यहाँ पे एम बराबर क्या है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एन बराबर क्या है डेल एफ अपॉन डेल वाई। दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू इक्वेशन वन, या इक्वेशन वन के इक्वल होगी ये, इसके इक्वल होगी तो एम बराबर डेल एफ ऑन डेल एक्स आ गया, एम बराबर डेल एफ ऑन डेल वी आ गया। नाउ ऑन डूइंग डिफरेंशिएशन विद वाई एंड एक्स रेस्पेक्टली, अब इसका हमें वाई के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन करना है और इसका एक्स के करस्पॉन्डिंग करना है, तो इसके हम करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये होगा डेल एन अपॉन डेल वाई एक्स हो जाएगा इस तरह से, और ये डेल एम अपॉन डेल वाई हो जाएगा। तो ये दोनों क्योंकि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है, तो वहाँ से ये हमारे पास दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या हमने डेल एम अपॉन डेल वाई, एम का हमने करस्पॉन्डिंग टू वाई की किया तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो गया, और एन का हमने एक्स से करस्पॉन्डिंग किया तो डेल एन अपॉन डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स वाई डेल, बट डेल चूंकि डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई होता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम कह सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स हो गया। अब सफिशियंट कंडीशन पढ़ते हैं, तो सफिशियंट कंडीशन क्या होता है, इफ डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स इज ट्रू, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो हमें देना है दिखाना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है और उसका डायरेक्टली हमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हमें दिखाना है। देन वी वांट टू शो दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट, लेट एम इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स बराबर यू एक्स वाई, हमने एज्यूम कर लिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एम का जो इंटीग्रेशन है वो यू एक्स वाई है हमारे पास। देन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स बराबर यू एक्स वाई था, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एम एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी कि अब इसके हमने वाई की करस्पॉन्डिंग कर दिया तो ये हो गया डेल एम अपॉन डेल वाई, बट डेल एम अपॉन डेल वाई किसके करस्पॉन्डिंग है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो इसको लिख दिया हमने डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये हो गया डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स और डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई।
इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हमने इसके एक्स के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट किया कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट करते हुए हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये एन बराबर आ गया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वी डैश वाई। तो यानी ये इंटीग्रेशन किस तरह से हुआ है फ्रेंड्स, हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड रूल से हुआ है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट वी डैश वाई ये आ गया। तो वेयर वी डैश वाई बराबर क्या है, डी वी वाई अपॉन डी वाई ओनली फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई वी डैश वाई ऑफ डी वाई। तो यहाँ से हो गया, इसको सॉल्व किया तो डी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई यानी ये डॉट डी वाई, ये हो गया डी यू प्लस डी वी इक्वल टू डी यू एक्स वाई प्लस वी वाई। जो ये हमारे पास डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास सॉल्यूशन आई थी। सो ये हो गया एन डी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से प्रूव हो गया। अब फिर से एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं या जनरल सॉल्यूशन पे, जनरल सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कि इस तरह से कैसे